त्रिपल मर्डर हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल कर किया गिरफ्तार। मैनपुरी जनपद के थाना करैल पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि नंगला अतिराम में हुए त्रिपल हत्याकांड का मुख्य आरोपी राहुल यादव पुत्र सोबरन सिंह निवासी नंगला अतिराम थाना करैल क्षेत्र के अवाली गांव से करैल की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा है। इस सूचना पर थाना करैल पुलिस थाना अध्यक्ष कुर्रा सर्विलांस टीम में पुलिस बल के साथ नहर पटरी के पास रेलवे पुल अंडरपास के पास गहनता से चेकिंग करने लगे। तभी रेलवे अंडरपास की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल होकर गिर गया। पूछताछ में घायल बदमाश द्वारा अपना नाम राहुल यादव पुत्र सोबरन सिंह निवासी नंगला अतिराम थाना करहल जनपद मैनपुरी बताया गया है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर दिनांक को 19/6/2023 को नंगला अतिराम में हुए त्रिपल मर्डर की घटना को स्वीकार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल मैनपुरी भेजा गया है, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल यादव पुत्र सोबरन सिंह निवासी ग्राम नंगला अतिराम थाना करहल जनपद मैनपुरी के पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आज जो नंगला अतिराम में ट्रिपल मर्डर हुआ है, उसी से संबंधित एक अभियुक्त के बारे में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वो कुआरी गाँव से करहल की तरफ जा रहा है। तो हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल और DSO कुर्रा और हमारी सर्विलांस टीम ने घेराबंदी की, तो ये नहर पुल अंडरपास के पास जब एक आदमी मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया तो उसको रोकने का प्रयास किया तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक असलाह बरामद हुआ है, जिसको कब्जे पुलिस में लिया गया है और मजरूह को अस्पताल भेजा जा रहा है। इससे जो पूछताछ की गई तो इसने जो आज ट्रिपल मर्डर किया है उसकी पूरी घटना को स्वीकारो की और ये उस घटना का मुख्य अभियुक्त है जो राहुल यादव है और इसको अस्पताल भेजा गया है।